आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुलाकात की है, जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर उनसे, और यहां पर एक पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिला है। दरअसल संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है 29 मार्च तक अभी पॉलिसी को बना दिया जाए, और पॉलिसी का किस तरह का प्रारूप रहना चाहिए इसे लेकर चर्चा की जाएगी। जितने भी आउटसोर्स कर्मियों की एसोसिएशन है उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया है, उसमें ये चर्चा होगी कि किस तरह से इनके लिए नीति बनाई जानी चाहिए। अभी जो ये सब कमेटी का गठन हुआ था तो रिपोर्ट मांगी गई थी सभी आउटसोर्स कर्मियों की, इसमें 32,000 के करीब आउटसोर्स कर्मियों को चिन्हित किया गया है और अभी पॉलिसी पर भी काम चल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कुछ एक सुझाव अभी लिए जाएंगे आउटसोर्स कर्मियों से भी, और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसमें ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर जो है इनके लिए निकल कर सामने आ सकती है। हालांकि 29 तक यहाँ पर अभी देखिए क्योंकि पूरी संभावना जताई जा रही है इनकी पॉलिसी को लेकर भी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी संख्या में ये विधानसभा भी पहुँचे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इन्होंने मुलाकात की थी और काफी सहनशीलता से इन्होंने अपनी बात कही थी, जबकि काफी स्ट्रेंथ में ये वहां पर आए थे और वहां इन्हें आश्वासन भी दिया गया था जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से भी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से भी कि जरूर जो है यहां पर इनकी मांग पर गौर किया जाएगा। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। वहीं एक मामला जो है शिमला में, वहीं जेबीटी भर्ती से जुड़ी अगली जानकारी हम आपको इस दौरान देंगे, क्योंकि शिक्षक महासंघ के जो महामंत्री है डॉक्टर मामराज पुंडीर, वो भी आज राज्य सचिवालय पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि अभी हमीरपुर चयन आयोग की ओर से ये रिजल्ट तो निकाल दिया गया है लेकिन भर्तियां भी जल्द करवाई जाए, क्योंकि 3,000 से ज्यादा के पदों पर ये भर्तियां होनी हैं और इसका खासा असर देखने के लिए मिल रहा है शैक्षणिक संस्थानों में जहां पर ये पद खाली पड़े हैं। ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई को भी पहुंच रहा है, तो जल्द से जल्द ये भर्तियां हों ये इन्होंने आग्रह किया है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना था कि जिस तरह से रिजल्ट निकलवा दिया गया है उस तरह से अब ये भर्तियां भी हो जाएंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर और है, क्योंकि कोर्ट में अभी दरअसल ये केस चल रहा है तो ऐसे में 25 मार्च को सुनवाई होनी है और फैसले का ही यहाँ पर इंतजार हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए अभी इसका एक कारण ये भी है कि पहले भी इसमें इसी वजह से देरी हो रही थी जो ये कोर्ट में केस चल रहा था, और एक बात इसमें ये भी है कि अभी कंडीशनल नियुक्ति की यहाँ पर राय दी गई थी लॉ विभाग की ओर से भी। अगर 25 मार्च को सुनवाई हो जाती है, कोई डिसीजन इसमें स्पष्ट निकलकर सामने आ जाता है, तो ऐसे में फिर ये भर्तियां भी सही ढंग से हो पाएंगी और वो कंडीशनल जैसा वर्ड जो है हट जाएगा, जाहिर सी बात है।